मुंब्रा के शंकर मंदिर तालाब के मुद्दे पर हमने आपको दो बार खबर दिखाई और इस खबर का असर भी हुआ है। आज मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी, सुधीर गायकवाड़, साथ में विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान, नगर सेवक मोरेश्वर कीने, रूपाली गोटे, सुनीता ताई सातपुते, इन सभी लोगों ने शंकर मंदिर स्थित तालाब का विजिट किया। इस तालाब का काम भी आज से शुरू किया गया है। विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने बताया कि तालाब की जो डिज़ाइन है, दरअसल तालाब उसके मुताबिक बनाया ही नहीं गया है और कॉन्ट्रैक्टर ने 2 करोड़ बिल भी ले लिया है। यहां तक कि तालाब में कैसा काम हो रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, जो स्थानीय नगर सेवक है, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं मिली थी। तालाब के गंदा पानी और तालाब की डिज़ाइन ठीक से की जाए, इसके लिए जो लोग मांग कर रहे थे, क्योंकि आने वाले 10 तारीख को छठ पूजा है और शानू पठान ने आंदोलन पर बैठने वालों को आश्वासन दिया कि 6 महीने में इस तालाब का काम पूरा करके दिया जाएगा और आने वाली 10 तारीख को जो छठ पूजा है उसके लिए जो महिलाएं यहां पर आएंगी उनके लिए बस की व्यवस्था की जाएगी और खरड़ी रोड पर छठ पूजा करने के लिए भेजा जाएगा। शानू पठान ने जिम्मेदारी लेते हुए जो धरने पर बैठने वाले थे शशि कुमार, उन्हें आश्वासन दिया कि 6 महीने में लगभग इसका काम पूरा हो जाएगा और मांग करने वाले लोग इससे राजी भी हो गए हैं। शानू भाई, आज तालाब का मुद्दा कई दिनों से चल रहा था, इसकी जो है बनाने की मांग की जा रही थी, आज आप लोगों ने भी यहाँ पर दौरा किया, क्या बातचीत मनपा के अधिकारियों से और आप लोगों के बीच में हुई है? देखिए, आज से कई वर्षों पहले डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी को हम लोग ने यहाँ लाके यहाँ पे तालाब के विसर्जन के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए छठ पूजाओं के लिए ज़रूरत थी, तब इसकी मांगनी किए थे और आवाज साहब खुद आके इसका पाठ पूरा करके इसको काम करने की अनुमति दिलवाई थी, लेकिन ट्रस्ट और कुछ आपस में मन मुटाव था, जिसको हमारे स्थानीय नगर सेवकों ने, राजन जी ने, सातपुते ताई ने और गोटे मैडम ने और ये सब मोरेश्वर भाई ने, ये सभी लोगों ने बैठ के उनको सॉल्व करके काम की शुरुआत करें, लेकिन काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्टर ने जो एज पर डिज़ाइन है वो काम नहीं किया है और जिस पे नागरिकों की यहाँ पे कंप्लेंट और उनकी आक्रोश है कि उनको स्टेप वाइज नहीं किया गया, पानी में बास आती है, ऐसी कई तरीके की उनकी कंप्लेंट थी, जिस पर 2 दिन से मैं कंटिन्यू महापालिका के अंदर विरोधी पक्ष कार्यालय में मीटिंग लगा रहा हूँ। हमारे स्थानीय नगर सेवक और अधिकारी के साथ विजिट रखा था आज, उनको ये सूचित किया गया, सूचना दी गई कि एज पर डिज़ाइन काम करा जाए और जो दिक्कत है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जो उनके जो यहाँ के श्रद्धालु लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं विसर्जन करने, जो पूजा करने, उनके हिसाब से डिज़ाइनिंग करके ये तालाब को करा जाए और अगर कुछ बजट में लगता है तो हम जितेंद्र आवाज जी से बात करके हम लोग बजट डाल के इधर लेंगे, ताकि यहाँ के नागरिकों को सुविधा मिल सके, उनकी भावनाओं का कदर, मतलब उनकी भावना के आदर कर सके, जिसका पाठ पूरा हुआ हमारे जो नगर सेवक है सातपुते ताई जी, राजन जी, गोटे मैडम और मोरेश्वर भाई लोग करेंगे और आगे का फॉलोअप मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर। मुझे ऐसा लगता है छठ पूजा आने वाले साल में अंदर ऐसी दिक्कत नहीं होगी, कुछ थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं हमारी भी चूक। शानू भाई, अभी पानी इतना गंदा है, इसमें कैसे जो है महिलाएं पूजा करेंगी, अगर उसमें एक बार नहा लेंगी तो डेंगू मलेरिया तमाम तरह की बीमारियां उनको हो जाएंगी, इसीलिए इतना गंदा पानी, अभी फिलहाल पानी का क्या उपाय करेंगे आप? इसीलिए बोल रहा हूँ, कल से हम यहाँ पे अधिकारी को लाए जो टेम्पररी सुविधा दे सकते हैं, जो टेम्पररी सोल्यूशन वो हम फिल्टरेशन करके जो भी कुछ है टेम्पररी हम जो करने का रहेगा हम लोग स्थानीय नगर सेवक लोग यहाँ पे खड़े रहकर करेंगे, इसके अलावा परमानेंटली कुछ अगर दिक्कत लगती है और बजट लगता है वो पट पूरा हो करके हम ये पूरा काम करके रहेंगे, आने वाले वक्त में कम्प्लीटली पूरी तरीके से हम कोशिश करके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने जो है काम नहीं किया और 2 करोड़ पूरा बिल निकाल लिया उसने, कैसे निकाल लिया, पूरा काम नहीं किया उसने। सुधीर गायकोट जी को यहाँ पे आपके सामने बोला हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर ने इसका बिल निकाला है और एज पर डिजाइनिंग काम नहीं किया, ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों पर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं है? लेकिन हमारे कुछ अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया और बिल निकाल लिया तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी का प्रॉब्लम यही है कि वो नेता बन चुके, नहीं ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई करिए ना। हमारे कुछ अधिकारी का प्रॉब्लम ये है कि वो नेता बन चुके। मैं अगली बार जितेंद्र आवाज जी को बोलूंगा कि कुछ अधिकारियों को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। जितेंद्र आवाज जी से मेरी मांग है, मेरी जितेंद्र आवाज जी से मांग है कि
एज पर मानका विभाग 13 नगर सुख बनने वाले 14 नगर सुख महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गाइडलाइन की, तो 3 नगर सुख शायद मुंबई में बढ़ेंगे 2 या 3, तो वो टिकट नगर अधिकारी को दे दो क्योंकि अधिकारी बहुत ज्यादा नेता बन गए। प्लीज मेरी मांग है, अधिकारियों में पहला नाम किसका होगा? नहीं नहीं, अभी मेरा नाम सिलेक्शन है, लिस्ट है गोपनीय, वो हम सादर कर देंगे क्योंकि नहीं। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? मुकेश डेरी। अच्छा, आपने 2 करोड़ जो है बिल भी निकाल लिया और इस तालाब का काम भी पूरा नहीं किया, ऐसा क्यों? कोरोना तो मध्य प्रॉब्लम होता है। अरे कोरोना तो अभी बाद में आया, कोरोना तो बाद में आया, बिल तो निकल गया ना, तो पैसा नहीं, जे काम के लिए था, काम से बिल कितने ले। सर मैं बोल एक दूसरों सर ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, बस करो। नहीं आप बताइए ना, भाई बोलिए ना, अरे कॉन्ट्रैक्टर को देखो, कॉन्ट्रैक्टर की हमारे अधिकारी की कॉन्ट्रैक्टर बात नहीं सुन रहा है। मां मुंबई अभी तक 6 महीने से अधिकारी बोल रहे रोड को कंक्रीट भर दो। ताज्जुब है मुझे, मुझे ताज्जुब है। खाली क्या हो जाएंगे इस बार हम लोग बाहर, मेन रोड की आरएमसी की गाड़ियां भरी नहीं जा रही, बाप रे बाप, ताज्जुब है। अधिकारी की कॉन्ट्रैक्टर सुनने तैयार नहीं, ये हालत है। भाई आप बताओ ना, नहीं नहीं प्लीज नहीं बताइए ना, नहीं 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 अधिकारी अधिकारी नहीं, आप आपके ऊपर आप बताइए ना, आप भी टेंडर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसके बारे में बताइए ना, क्यों संबंधित अधिकारियों प्रमाणे काम नहीं, कॉन्ट्रैक्टर आप है ना, तो आप भी बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे आप, खुद तो जानकारी दीजिए। आप बताया जा रहा है कि आपने जो है 2 करोड़ का बिल ले लिया, ये सब रिकॉर्डिंग बोलिए ना भाई, आप काम आखिर अधूरा क्यों किया आपने? नहीं ती जेसीबी लावून है ना, माती वगैरे अंतर घेतो, तुला बेगल एक्सटर्नल ना, तुझ्या कारवाई होणार। किती डिपॉझिट आहे टेंडर मध्ये? किती आहे डिपॉझिट? अभी बस करके हम खड़ी गांव में देंगे, ये सभी श्रद्धालु लोग वहाँ जाके छठ पूजा मनाएंगे, इसको परमानेंट यहाँ पे काम शुरू करेंगे, यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे। ओ भाई सुनो, मिलन मिलन आज यहाँ पे बोर्ड लगा दो, जितेंद्र आवाज जी हम लोग के चारों का नाम डाल के यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे काम चालू है। नागरिकों से विनती है, उनका इंतजाम हम लोगों ने बस का वहाँ पे किया है, यहाँ पे मैं तुम लोग बस देता हूँ, हम सब मिलके यहाँ पे खड़े रहेंगे, यहाँ से लोगों को भेजो। एक हो गया, इसको फाइनेंशियल काम करेंगे, तुझको फिल्टरेशन और कुछ करने के लिए बजट कम पड़ता है, मैं स्पेशली तुमको जितेंद्र आवाज जी से बात करके तुमको इसकी फिल्टरेशन के लिए बजट देता हूँ, लेकिन फाइनल काम करूँ। ओके तो गए साल में गणपति यार, इसमें हमको ये करना नहीं, मेरे को शर्म आ रही है, इस बार विसर्जन मतलब यहाँ हुआ, फिर 10 साल होते हैं तुम लोग ने विसर्जन करा, 10 साल होता है हमारी में, गंदे पानी में बारिश का ना, बारिश गंदे पानी में रहता है। चलो चलो और जरा शानू भाई, शानू भाई, ओ शानू भाई, शानू भाई गाँव की पीड़ित, और फंड की जरूरत क्या? इनके पास 2 करोड़ ये निकाले हैं बिल, आखिर क्या किए 2 करोड़ में? इन्होंने काम भी नहीं पूरा किया ना, देखिए और वो जवाब भी नहीं दे रहे कैमरे पे, बोल भी नहीं रहे, कोविड का उनकी जो आपको जवाब लेना है, सुधीर गायकोट देंगे, वो जवाबदार है, उनकी जवाब लो सर। क्या कहेंगे आप, कॉन्ट्रैक्टर ने 2 करोड़ रुपया निकाल लिया और उसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने काम भी नहीं किया। कल मीटिंग हुई, जो हुआ निर्णय, क्या बोलेंगे आप बताओ? कल भी नहीं देना, कुछ बोली काम करके देने वाले निर्णय हुआ, ऐसे हम लोग नहीं, जो कुछ काम बाकी है डिजाइन के हिसाब से वो हम काम करने वाले। मुझे सुनो सुनो क्या बोले, अरे सुन तो लो पहले, डायरेक्शन दिया वो हिसाब से काम हो जाए। मीटिंग में बताओ बताओ ना क्या हुआ था, मीटिंग लेके निर्देश दिया, तुम ही बोला बोला बोलो सानू भाई, मनपा के अधिकारी नहीं बोल पा रहे, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। अरे इतने गंदे पानी में गणेश विसर्जन कराए ये लोग, खेल खेल रहे हैं। 2 दिन से मीटिंग नेता ने 2 दिन से मीटिंग लिया है, परसों भी लिया था शाम को उनके कार्यालय में, कल भी उनके शाम को कार्यालय में लिया और उन्हें बोला जो पेंडिंग वर्क है अर्जेंट में चालू करो और उसको क्लोज करो, और किधर निधि कम पड़ता है तो मेरे को बोलो, आमदार सर से मिनिस्टर सर से बात करा। अच्छा अभी कॉन्ट्रैक्टर ने इस तालाब का 2 करोड़ रुपया भी ले लिया, काम भी पूरा नहीं किया, क्या करेंगे आप लोग, किस तरह की कार्रवाई करेंगे?
और ये हंगामा होने के बाद काम शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इसके? यहाँ के नगर सेवकों को भी नहीं मालूम कि उसने 2 करोड़ रुपया ले भी लिया, यहाँ के नगर सेवकों को भी नहीं मालूम 2 करोड़ ले भी लिया, काम भी नहीं किया, आधा अधूरा काम हुआ ना। वर्क इन प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस अभी क्या बाकी है, उसको बिल पेंडिंग है उसका भी। अच्छा, तो वो जितना काम ने उसका पैसा दिया, तो 2 करोड़ किस चीज का था? उसमें से डी सीलिंग किया, इसके वजह से नहीं था, इसका था आरसीसी वॉल किया है। आपको नहीं लगता कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है? लापरवाही मतलब काम 2019 में बंद कर दिया और अभी भी शुरू नहीं हुआ, जब तक इन्होंने हंगामा नहीं किया, जब तक इन्होंने मांग नहीं की तब तक उन्होंने काम शुरू नहीं किया, क्यों? आखिर क्यों उसका जवाब चाहिए? कोई ये मुद्दे को विषय को उठाए, हम आपके सेवक है और आप जैसे बोलेंगे वैसे ही काम हो रहा है। सानू भाई, पत्र दिया गया था जिसके अंदर कहा गया था कि 31 तारीख को आंदोलन करेंगे, आंदोलन के विषय में क्या कहेंगे आप? हम लोगों ने जो यहाँ पे श्रद्धालु लोग हैं, जो यहाँ पे लड़के लोग हैं, जिनकी मांगनी थी, जो आंदोलन पर बैठने वाले थे, हम नगर सेवक और मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि आंदोलन ना करें। हमारी बातों को उन्होंने ध्यान में रखते उन्होंने ऐसा, हमने उनको आश्वासन दिया कि आपको हम यहाँ से जाने की खड़ी गाँव में जो सुविधा लगेगी वो हम करके देंगे बस जरिए। हमारी मांग को उन्होंने माना है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो हमारी बात को समझेंगे। 2 साल कोविड था, कई हमारी गाइडलाइन थी महापालिका की, आर्थिक परिस्थिति खराब है, कई चीज़ों का काम नहीं हो पाए, हमारी अधिकारी का कुछ चीज़ों पे पहल करते लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों के बिल नहीं अदा किए गए, अधिकारियों को भी कोविड है, कॉन्ट्रैक्टर को कोविड है, कई दिक्कत है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी सबकी चूक है, कमी है, हम आने वाले वक्त में उसको पूरा करेंगे। और हमारी ये बात मांग को समझ के उन लोग अपना आंदोलन कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में वो उनको अधिकार है आंदोलन करें हमारे खिलाफ। भाई भाई, एक मिनट, ये कब तक काम चालू करेंगे? काम शुरू है, 2 दिन में काम शुरू कर देंगे, लेकिन हमको टाइम काम चालू करने का पूरी करने के लिए 6 महीने जाएगा। 6 महीने तुम पूरा होने के लिए कम 6 महीने लगेगा। मार्च एंडिंग तक आपके सामने बोल रहे हैं, मार्च एंडिंग बोला कभी तक? मार्च अप्रैल तक कर देंगे। आप लोगों से मेरी हमारी विनती है, सभी लोगों की थोड़े देर रखिए, हमारे कॉर्पोरेटर अभी खड़े रहेंगे यहाँ पे सब करेंगे। अभी जो इन लोगों ने कहा है उससे संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट होंगे, सानू भाई पे भरोसा है, एक महीना बढ़ा के दिया है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, हमें सानू भाई के भरोसा है, चालू हो जाना चाहिए कल से।